जामा मस्जिद का कागज कहाँ से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल बन कानून बनता है तो करना चाहते। जब मैं ये कहा कि वक्फा यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज जाने के बाद हुकुमरान जूनागढ़ के बादशाह थे तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, कब्रस्तान है। 47 में लिखा गया, 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ। मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया, वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था तो कलेक्टर ने सुबह सुबह, तारीख आपको बता रहा हूं चेक कर लीजिए, कलेक्टर वहां के मुकामी कलेक्टर ने 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों। जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दरगाह को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डिमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ये वफ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल बंद कानून बनता है तो करना चाहते हैं।